नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल वे टू सक्सेस पर। और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं आपके आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए दो बहुत ही बड़े अपडेट, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम कब होने वाला है। बहुत सारे लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। अब तक आरआरबी ने कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया था, लेकिन फाइनली आरआरबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके ऊपर कुछ इंपोर्टेंट नोटिस डाले हैं, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि आपका एग्जाम कब होगा। और साथ ही जो आरआरबी के चेयरमैन है, उन्होंने भी ये बताया कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूं इस वीडियो में। जो नोटिस में कहा हुआ है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूं। बट उससे पहले बता दूं, अगर आप भी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं आपके एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मटेरियल यहां पर लेकर आने वालों, जो कि आपको अपना एग्जाम क्लियर कराने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू कर दें। तो चलिए सबसे पहले उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं, जो कि आरआरबी के टोटल 21 डिफरेंट डिफरेंट जोन की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। तो फ्रेंड जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही वो ऑफिशियल नोटिस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकला हुआ है। इसका जो सब्जेक्ट है वो है मीटिंग विद एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज, यानी कि ECA फॉर कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज है उनके साथ यहाँ पर मीटिंग की जा रही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने के लिए। तो ये तो आप सब लोग को पता होगा जो अब तक आरआरबी के एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, जैसे कि आपका ALP का हुआ है, इससे पहले आपका ग्रुप डी का भी हुआ है 2018 में, इससे पहले आपका आरआरबी JEE का हुआ है, पैरामेडिकल का हुआ है, वो सब TCS कंपनी ने कराया है। अब ये जो आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट, अब ये मीटिंग कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी के साथ, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है, कि नई एजेंसी से एग्जाम कराने की इनकी पूरी पूरी कोशिश है। तो चलिए देखते हैं इसके नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड जब आप इस नोटिफिकेशन को नीचे स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पर आपके एग्जाम्स के बारे में भी कुछ डिटेल्स दिए कि कौन कौन सी वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपकी निकली थी ग्रुप डी की, ALP की, साथ ही आप यहाँ पर देखिए 35,208 आपकी NTPC की वैकेंसी निकली हुई थी, जो कि मार्च में निकली थी। इसके जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, इतने यानी कि जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, वो लगभग आपके 1,26,30,000 के आसपास आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं। नेक्स्ट आपकी ये वैकेंसीज है पैरामेडिकल की, आपकी इसके अंदर वैकेंसीज है, और बाकी आपकी ग्रुप डी की भी आप देख सकते हैं, इसमें लगभग आपके 1,15,67,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो कुछ आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, जैसे कि आपका JEE का एग्जाम हो चुका है, ग्रुप डी 2018 का, ALP का हो चुका है, पैरामेडिकल का हो चुका है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब आप नीचे देखोगे, तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके तीन टाइप के एग्जाम होने बाकी है, एक आपका NTPC का होना बाकी है, एक आपका ग्रुप डी का होना बाकी है, और एक आपका आइसोलेटेड जो स्टेनोग्राफर वाला था वो आपका एग्जाम होना बाकी है। तो अब आरआरबी क्या कर रहा है, आरआरबी TCS कंपनी को स्विच करना चाह रहा है, क्योंकि TCS कंपनी के सर्वर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। JEE का एग्जाम, जो JEE का CBT 2 हो रहा है या फिर CBT 1 हुआ था, वो आपका TCS कंपनी ने कंडक्ट नहीं कराया, उसके लिए आपकी दूसरी कोई कंपनी थी, क्योंकि उसके सर्वर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब आरआरबी जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली कंपनी है, उनको स्विच करना चाहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आरआरबी ने 25 सितंबर को दिल्ली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो कॉन्फ्रेंस है, वहां पर एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी को बुलाया गया है, जिसमें वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगी, अपनी बताएंगे कि क्या उनकी फैसिलिटी है, क्या उनका एक्सपीरियंस है एग्जाम कंडक्ट कराने का, कितने एग्जाम उन्होंने अब तक कंडक्ट कराए, उनके जो सर्किल में एग्जाम सेंटर्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो 25 सितंबर है, सभी कंपनी की यहां पर मीटिंग हो रही है, हर एक कंपनी को, यानी कि हर एक एजेंसी को 10-10, 10-10 मिनट का स्लॉट दिया जाएगा अपनी प्रेजेंटेशन पेश करने के लिए, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल से वो बताएंगे कैसे कैसे हम यहाँ पर एग्जाम कराएंगे, क्या उनकी सिक्योरिटी रहती है, क्या उनकी सेफ्टी रहेगी एग्जाम कंडक्ट कराने की। तो यहाँ पर पता चलता है कि 25 सितंबर को मीटिंग होगी, उसके बाद आपकी कंपनी फाइनलाइज होगी। इसके नोटिस में दिया हुआ है कि कंपनी फाइनलाइजेशन का ये प्रोसेस चला हुआ है, प्रेजेंटेशन होने के बाद आपकी कंपनी फाइनलाइजेशन जो होगी वो लगभग आपकी 10-15 दिन बाद होगी। तो आप देख सकते हैं लगभग 10 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर तक तो आपकी जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराने की वो आपकी फाइनलाइज होगी। तो इससे यही पता चलता है कि आरआरबी एग्जाम कंडक्ट कराने की अभी तक कोई भी एजेंसी फाइनलाइज नहीं हुई है, उसमें लगभग 10 से 15 दिन का प्रोसेस अभी बाकी है, और जिसके बाद आपका पूरा अक्टूबर ही लग जाएगा, लगभग नवंबर आपका यहां पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका एजेंसी का मतलब। अब बात करेंगे कि आपका एग्जाम कब होगा,
इसके ऊपर भी एक आपका ऑफिशियली अपडेट आया है जिसके थ्रू मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तो फ्रेंड जो आप ये स्क्रीन पर न्यूज़पेपर देख रहे हैं 17 सितंबर दैनिक भास्कर रायपुर के न्यूज़पेपर है जिसमें आरआरबी बिलासपुर के चेयरमैन जो कि दीपक गुप्ता जी हैं जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की डेट को लेकर कुछ अपडेट दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको डिटेल से दिखा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है एनटीपीसी स्टेशन मास्टर गार्ड टीसी के 1100 पदों के लिए मिले चार लाख आवेदन, दिसंबर में परीक्षा संभव। यानी कि जो आरआरबी बिलासपुर जोन था उसमें लगभग एनटीपीसी में जो फॉर्म अप्लाई हुए थे लगभग मार्च में लगभग 1100 आपके वहां पर वैकेंसी थी जिसके लिए लगभग 4 लाख आवेदन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हुए। तो उन्होंने साथ ही कहा कि दिसंबर में परीक्षा होने की संभावना है। यहां पर उन्होंने नीचे अपडेट में यही कहा हुआ है कि जो एनटीपीसी का एग्जाम के फॉर्म अप्लाई हुए थे वो लगभग आपके मार्च में हुए थे, अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया, ना इसका एग्जाम सेंटर के बारे में फाइनलाइज हुआ है, ना इसके एग्जाम डेट के बारे में कोई अपडेट आया, क्योंकि अभी तक यहां पर एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी ही फाइनलाइज नहीं हुई है। उन्होंने एग्जाम होने की यहाँ पर डेट की संभावना बताते हुए लिखा हुआ है कि जो एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का होगा वो आपका दिसंबर और जनवरी में परीक्षा शुरू होगी, ये आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड जारी होगा यानी प्रवेश पत्र जारी होंगे वो आपके लगभग नवंबर में प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। जो चेयरमैन है आरआरबी बिलासपुर वो है आपके दीपक गुप्ता जी, चेयरमैन आरआरबी बिलासपुर। तो फ्रेंड्स ये जो न्यूज है ये बिल्कुल ऑथेंटिक लग रही है क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन का नाम भी दिया हुआ है और अपडेट बिल्कुल ऑफिशियल है क्योंकि दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में इसके बारे में डिटेल दी हुई है। और साथ ही मैंने जो आपको पिछला नोटिस दिखाया जिसमें एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज को फाइनलाइज किया जा रहा है तो उसके थ्रू अगर इन दोनों चीजों को मिलाए तो यही यहाँ पर निष्कर्ष निकल के आता है कि लगभग जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर और जनवरी में होगा, लेकिन उससे पहले आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है क्योंकि 25 सितंबर तक यहाँ पर एजेंसी के बारे में पता चल जाएगा, लगभग आपका 5 या फिर 10 अक्टूबर तक पता चल जाएगा, उसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट कराने का प्रोसेस चालू होगा क्योंकि जो ग्रुप डी का फॉर्म का स्टेटस था वो ऑलरेडी चेक हो चुका है, फॉर्म मॉडिफाई भी हो चुका है, केवल अब एग्जाम कंडक्ट कराना बाकी है। एनटीपीसी का एग्जाम आपका बाद में होगा क्योंकि एनटीपीसी का जो एग्जाम प्रोसेसर है वो आपका काफी लेंथी है, उसमें आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, CBT 3 होगा, लेकिन जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें आपका केवल एक CBT 1 होगा। इसलिए आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर के लास्ट से स्टार्ट हो सकता है और आपका नवंबर तक चल सकता है या फिर दिसंबर तक चल सकता है, उसके बाद आपका दिसंबर जनवरी या फिर फरवरी में आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट अपडेट, जो मैंने आपको दोनों अपडेट दे दिए हैं, एक आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी के बारे में और एक आपके जो न्यूज़पेपर में आया था जो कि आरआरबी बिलासपुर के चेयरमैन ने अपडेट दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में तो इतना ही था, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद। Oh, 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 oh